वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो हम देखेंगे कि सिस्टम टूल्स क्या होते हैं। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 11 ये रहेगा। आज हम बात करके चलेंगे कि सिस्टम टूल्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि सिस्टम टूल्स के बारे में आपने जरूर यहाँ पे सुना होगा। जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आपने यहाँ पे ऑप्शन भी देखा होगा कई बार कि सिस्टम टूल्स का। ठीक है जी, कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या इनका काम रहता है, वो सब देख के चलेंगे। उससे पहले एक बार हम सिलेबस आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये रहा सिलेबस आपके सामने। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कि विंडोज डेस्कटॉप हम कवर कर चुके हैं, बूटिंग शटडाउन, स्टैंड ऑप्शन और ये हमने स्टार्ट मेन्यू सब एक ही यहाँ पे लेक्चर में कंप्लीट किया था, छोटे छोटे टॉपिक होने के कारण। उसके बाद कीबोर्ड हमने शॉर्टकट से यहाँ पे कंप्लीट कर चले हैं और ये कंट्रोल पैनल का यूज कैसे किया जाता है ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं भैया सिस्टम टूल्स पे। ठीक है जी, तो चलिए अपने वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते भैया सिस्टम टूल्स होता क्या है। जैसे कि नाम में ही है भैया टूल्स है। टूल्स क्या होता है, किसी भी चीज को रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसको किया जाएगा, सिस्टम को किया जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया सिस्टम टूल्स है तो सिस्टम को हम क्या करेंगे, इन टूल्स की मदद से रिपेयर करेंगे, इन टूल्स की मदद से हम क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। ठीक है जी, कैसे करेंगे देख के चलते हैं। चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास जो सिस्टम टूल्स है, हमारे पास इसमें पहला जो टूल आ जाता है वो आ जाता है भैया डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है जी, कौन सा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, ये ऐसा सिस्टम टूल होता है। देखिए होता क्या है, देखिए ये क्या करता है, डिस्क को डिफ्रेगमेंट कर देता है। ठीक है जी, यानी डिस्क में जो हमारी फाइलें फैली हुई होती है उनको क्या करता है, व्यवस्थित कर देता है। ठीक है जी, अब समझिएगा इस चीज को। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेमोरी का एक ब्लॉक होता है, इस तरीके से हम जानते हैं मेमोरी जो हमारे पास होती है ब्लॉक के फॉर्म में रहती है। तो भैया इसमें यहाँ पे कुछ ब्लॉक बने होंगे इस तरीके से, इसमें क्या होंगी, यहाँ पे मेमोरी होंगी। तो भैया होता क्या है, इसमें हम फाइलें अपने सेव करते हैं तो हमारी जो भी फाइलें होती है सब इसी में सेव हो जाती है। ठीक है जी, तो हमने कोई फाइल सेव की, यहां आ गई कोई बड़ी फाइल हमने सेव की, तो भैया इसने तीन ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे ले लिए, फिर अगली फाइल हमने की तो उसने भी तीन ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद भैया जो तीन बड़ी जो फाइलें हैं जिसने तीन मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे ले रखी है उसको हम अगर डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास जो बच जाता है वो हमारे पास किस तरीके से बचता है, फाइल तो डिलीट हो जाती है लेकिन क्या होता है कि कुछ ब्लॉक उसके क्या रहते हैं, वहां पे फील्ड रहते हैं, कुछ ब्लॉक खाली नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं वो क्या रहते हैं, भरते रहते हैं। ठीक है जी, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है, अब देखिए जब ब्लॉक छोटे छोटे भरते रहेंगे फालतू की फाइल से तो उससे क्या होगा भैया, उससे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, हमारे सिस्टम की मेमोरी फुल होते रहेगी। ठीक है, सिस्टम हैंग करना, लैगिंग करना, ये सभी समस्या फिर हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा भैया, देखिए अब जब यहां पे क्या होगा, छोटे छोटे ब्लॉक इस तरीके से बीच में फालतू की फाइल से जो अनवांटेड जो फाइल्स है उनसे यहां पे भरा हुआ रहेगा तो हमारी कंप्यूटर की स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो इसको हटाने के लिए, इस चीज को यहां पे सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर का। ठीक है जी, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, जो बीच में जो अनवांटेड जो भी फाइल होती है, जो भी यहाँ पे अननेसेसरी जो भी फाइल होती है उनको क्या कर देता है, हटा देता है, उनको डिलीट कर देता है और हमारे पास पूरी मेमोरी ब्लॉक को क्या कर देता है, फिर से एक खाली कर देता है। इस तरीके से क्या कर देता है, एक मेमोरी ब्लॉक हमारे पास बना के दे देता है, पूरी ब्लैंक। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अब डेफिनेशन क्या कहती है, देख के चलते हैं। यह एक सिस्टम टूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम डिस्क को डिफ्रेगमेंट करते हैं। ठीक है जी, अर्थात डिस्क में फैली फाइल्स को व्यवस्थित किया जाता है जिससे कंप्यूटर की स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, अब डिस्क में जो फाइलें फैली रहेंगी उनसे क्या हो जाएगा, उनको हम व्यवस्थित कर देंगे, एक सीक्वेंस में कर देंगे, मैनेज कर देंगे, तो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की स्पीड ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद कहता है जब हम एक नए डिस्क ड्राइव का उपयोग करना आरंभ करते हैं तो संग्रहित की जाने वाली फाइलें और फोल्डर व्यवस्थित तरीके से लगातार मेमोरी ब्लॉक्स में संग्रहित होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो भी फाइल्स रहती है यहाँ पे वो क्या रहती है भैया, एक ब्लॉक के फॉर्म में सेव होते रहती है, लेकिन कार्य करते करते कुछ समय बाद जब हम बनाई हुई फाइलों एवं फोल्डरों की उपयोगिता खत्म होने के बाद डिलीट कर जाते हैं तो हार्ड डिस्क के बीच में डिलीट हो गई फाइलों में मेमोरी स्थान रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब मैंने जैसा आपको बताया भी जो ब्लॉक के फॉर्म में यहाँ पे मेमोरी में सेव हो गया डेटा, अब हम डेटा को अनवांटेड जो डेटा उसको हम डिलीट करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वहां पे जो बीच में जो हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक हैं वो कुछ वहीं पे भरे रह जाते हैं अननेसेसरी फाइल से। ठीक है, तो उन फाइल को हटाना वो किसका काम आ जाता है भैया, वो आ जाता है डिफ्रेगमेंटर का काम हो जाता है। ठीक है,
तो ये तो हो गया भैया डिस्क्रिमिनेट डिफ्रेगमेंटर, ये हमने यहाँ पे बात कर ली। इसके बाद कहता है कि इसके बाद नई फाइलें बनाए जाने पर उन्हें संग्रहित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इनके बीच के खाली स्थानों को मेमोरी ब्लॉक देखने का प्रयास करता है, जिससे एक स्थान पूरी फाइलों को संग्रहित की जा सके। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक था, ठीक है जी। अब क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे हमने फाइलें डिलीट की इसमें से, तो बीच में कुछ ब्लॉक जो है वो भरे रह जाते हैं, मैंने आपको बताया अननेसेसरी फाइल से। अब हम कोई नया डेटा जब सेव करेंगे भैया, उस सपोज उसको चाहिए यहाँ पे 3 मेमोरी ब्लॉक की यहाँ पे जरूरत है, अब भैया तो बीच का तो एक खाली है, तो ये तो किसी काम का आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा डेटा सीक्वेंस में यहाँ पे क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, तो 3 मेमोरी ब्लॉक चाहिए उसको, तो वो आगे के 3 मेमोरी ब्लॉक को यहाँ पे यूज करेगा, ठीक है, 1, 2, 3, और इन तीनों को वहां पे वो यूज करेगा। ठीक है, तो बीच का आप देख रहे होंगे हमारा ये जो डेटा है, हमारा जो बीच में मेमोरी ब्लॉक है, ये क्या हो गया, ऐसी वेस्टेज जा रहा है। ठीक है जी, इसके बाद कहते हैं जब पर्याप्त आकार का ब्लॉक नहीं मिलता, तब ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध ब्लॉक में सबसे बड़े ब्लॉक फाइल जितना संभव हो सके उतना संग्रहित कर देता है। जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि अंतिम जो 3 होंगे, लास्ट के जो 3 होंगे ब्लॉक, उनमें क्या कर देगा, जो डेटा है हमारा, उनको स्टोर यहां पे कर देता है। ठीक है जी, तथा फाइल से बचे हुए भाग को अलग खाली ब्लॉक में ले जाया जाता है, इस प्रकार बड़े आकार की फाइलें टुकड़ों में कई स्थानों पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, देख रहे होंगे कि फाइलें जो है हमारे पास बढ़ जा रही है यहाँ पे, ठीक है, कुछ बीच में खाली रह जा रहा है, तो एक सीक्वेंस नहीं रह जा रहा है, तो इस चीज को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए हम यूज कर इसका डिस्क डिफ्रैगमेंटर का। ठीक है जी, अब बात करते हैं तो दूसरा सिस्टम रूल आ जाता है हमारे पास, डिस्क क्लीनअप। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, क्लीन कर देगा डिस्क को। ठीक है, यानी डिस्क को क्लीन कर देगा, क्लीनअप कर देगा, तो यानी क्या कर देगा भैया, ये जो फालतू की जो फाइलें हैं, जो अनवांटेड फाइल है, जो हमारे पास यहां टेंपरेरी फाइल्स है, उनको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। ठीक, कैसे कर देगा देख के चलते हैं। ये क्या होता है डिस्क क्लीनअप, क्या होता है डिस्क क्लीनअप, हमारे पास क्या होता है डिस्क क्लीनअप, एक सिस्टम टूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। ठीक है, पहले क्या करेगा, ये डिस्क को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद आपको बताएगी इतने अनवांटेड फाइलें इसमें, इतनी जो है फालतू की फाइलें हैं, वो शो करेगा। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, आपसे परमिशन लेता है कि इसको हटा दिया जाए, डू यू वॉन्ट रिमूव दिस, डू यू वॉन्ट डिलीट दिस, ऐसे करके पूछता है, तो आप यस करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो भी आपके फालतू की जो फाइलें हैं वो आपसे यहां से हट जाती है आपके डिस्क से। ठीक है जी, इससे डिस्क में फ्री स्पेस हो जाता है, और फ्री स्पेस होगा तो जिसे ड्राइव में स्कैन करना होता है उसको सिलेक्ट करके क्लीनअप बूट पर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, उसको क्या होता है यहाँ पे क्लीन कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो हमारा जो डिस्क है वो स्पेस अगर खाली होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, हमने पिछले यहाँ पे पहले इससे पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है जी, इसके बाद कहता है कि इसके बाद फाइलों के प्रकार को सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं, फाइलों को अनेक श्रेणियां जिन्हें डिस्क क्लीनअप अपना प्रोग्राम लक्ष्य बनाता है। ठीक है, कह रहा फाइलों की अनेक श्रेणियां हैं जिन्हें डिस्क क्लीनअप अपना लक्ष्य बनाते हैं, यानी डिस्क क्लीनअप उन फाइलों को अपना लक्ष्य बनाता है। किन फाइलों को भी देख के चलते हैं, कौन-कौन सी वो फाइलें हैं। ठीक है, तो कुछ फाइलें आ जाती हैं हमारे पास जिनको क्या करता है डिस्क क्लीनअप टारगेट करता है कि मुझे इन्हीं फाइलों को हटाना है। ठीक है जी, हमारी जो यहां पे डॉक्यूमेंट्स है उनको नहीं हटाएगा, हमारा जो सेव डेटा उनको नहीं हटाएगा, वो टारगेट किस किस को करता है, किस किस डेटा को टारगेट करता है देख के चलते हैं। तो सबसे पहले जो वो टारगेट करता है भैया, वो करता है हमारे पास पुरानी चेक डिस्क फाइल का। ठीक है, ओल्ड चेक डिस्क फाइल्स का, यानी हमारी जो पुरानी जो फाइलें रहती होंगी, जो हमारे डिस्क में जो फाइल से रहती हूँ, चेक फाइल जो रहती होंगी। ठीक है, यानी जो आपने जब लास्ट टाइम पे जब आपने यहाँ पे डिस्क क्लीनअप किया होगा तो कुछ उसका टेम्परेरी फाइल वहां पे सेव हो जाता है, तो उन फाइलों को हटाने का इसका काम रहता है जो अननेसेसरी फाइल्स होती है। उसके बाद अस्थाई इंटरनेट फाइल्स, यानी टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स का, यानी जब आप भी इंटरनेट यूज करते हैं अपने पीसी पे या फिर अपने डिवाइस पे, तो क्या होता है इंटरनेट से आपके जो सिस्टम पे है कुछ यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स सेव हो जाती है। ठीक है, तो उनको हटाने का इसका टारगेट यहाँ पे रहता है। साथ ही साथ अस्थाई विंडोज फाइल्स, यानी टेम्परेरी विंडोज फाइल्स, यानी जो विंडोज आपके उससे भी यहां पे क्या होता है कुछ टेम्परेरी फाइल सेव होते रहती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, तो टाइम के साथ साथ क्या होते हैं जो टेम्परेरी फाइल है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उनको हटाने का काम इसका रहता है। उसके बाद डाउनलोडेड प्रोग्रामिंग फाइल्स, यानी जो डाउनलोड प्रोग्राम फाइल आपके रहती है जो यूज ही नहीं है, उनको क्या करता है हटाने का रिकमेंड करता है। ठीक है, आपसे कहेगा इसको हटा दीजिए, आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इसका यहाँ पे टारगेट रहता है। उसके बाद रिसाइकल बिन को आपको खाली करने के लिए कहता है कि आपका रिसाइकल बिन भरा हुआ है, इसको खाली कर दीजिए। ठीक है जी, उसके बाद उपयोग न की गई एप्लीकेशन, यानी अनयूज्ड एप्लीकेशन, जो काफी लंबे समय से 2 सालों से 3 सालों से जो यूज ही नहीं की गई है, उनको ये हटाने का रिमूव करने के लिए रिकमेंड कर देता है कौन, डिस्क क्लीनअप। ठीक है जी, पहले हमने बात की यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, जिसमें हमने कहा था डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या करता है, मेमोरी ब्लॉक्स को एक व्यवस्थित तरीके से उनको क्लीन करके जो हमारा डेटा उसको वहां पे स्टोर कर देता है। ठीक है जी, सिस्टम टूल्स में आ जाता है,
का दूसरा सिस्टम टूल हमने बात की यहां पे कौन सा, डिस्क क्लीनअप। ये क्या कर देता है, डिस्क में से कुछ फाइलों को अपना टारगेट बनाता है, अपना लक्ष्य बनाता है और उनको वहां पे हटाने का प्रयास करता है। जिस क्रम में सबसे पहली फाइल हमने देखी पुरानी चेक डिस्क फाइल जिसे हम बोलते हैं ओल्ड चेक डिस्क फाइल्स, दूसरा हमने कहा अस्थायी इंटरनेट फाइल्स जिसे हमने टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स कहा, उसके बाद तीसरा हमने देखा अस्थायी विंडोज फाइल जिसे हमने टेम्पररी यहां विंडोज फाइल्स कहा, उसके बाद डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल जिसे हमने डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स यहां पे कहा, तीसरा रिसाइकल जो हमारे पास पांचवा आ जाता है रिसाइकल बिन आ जाता है, उसके बाद उपयोग नहीं की फाइल यानी अनयूज्ड एप्लीकेशंस को अपने यहां पे टारगेट बना दिया जाता है डिस्क क्लीनअप के द्वारा, ठीक है जी। और उसके बाद अब छोटा सा एक टॉपिक आ जाता है विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं भैया। एक्सप्लोरर क्या होता है, जो चीजों को एक्सप्लोर करता है, चीजों को खोलता है, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है भैया, ये क्या होता है, हमारे जो सिस्टम है हमारे कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको एक्सप्लोर करने का काम करता है, उनको खोलने का काम करता है, ठीक है। खोल के आपके सामने रख देगा, दिखा देगा कि ये आपके इसमें डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, उसको भी मैंने इसी में यहां पर डाल दिया है। तो देख के चलते क्या कहता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को खोजने, फाइल को व्यवस्थापन और अत्यंत सरलता तीव्र बनाने के लिए फाइल फोल्डर तथा कार्य के लिए अति शक्तिशाली टूल है, ठीक है। यानी जो विंडोज एक्सप्लोरर ये क्या करता है, आपके सिस्टम में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी आपके यहाँ पे क्या होंगे संसाधन होंगे, जो भी आपके यहाँ पे फाइल्स होंगी उनको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, उनको खोल के आपके सामने यहाँ पे दिखाने का काम करता है। बहुत ज्यादा ये तीव्र गति से ये एक चीज करता है, इसलिए ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर फेमस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फाइल फोल्डर को कार्य करने के लिए एक शक्तिशाली ये भी एक टूल हो जाता है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। सिस्टम टूल की हमने बात की, तो तीन टूल हमने देखे, पहला डिस्क डिफ्रेगमेंटर देखा, दूसरा हमने डिस्क क्लीनअप देखा, फिर तीसरा के चले यहां पे विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। विंडोज क्या एक्सप्लोरर, यानी जो विंडोज में उपस्थित हमारे संसाधनों को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है भैया, एक्सप्लोर करता है, खोल देता है, सर्च करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है जी। तो यही था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।